नागपुर जिले में कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए यदि कोई आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर न जाए, ऐसी अपील जिला प्रशासन ने नागरिकों से की है। वहीं जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने कहा कि सोमवार से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही उन घटकों की जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं जो सुपर स्प्रेडर है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों, मंगल कार्यालय में अनुचित व्यवहार करने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को हुई जिला परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में सोमवार से बड़े पैमाने पर जिले में परीक्षणों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। यह सार्वजनिक वितरण और सेवा यानी सब्जी, डेयरी, सलून, गृह कार्य में शामिल होने वाली महिलाओं के परीक्षण में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। नागरिकों को बिना मास्क के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो लोग बिना मास्क के बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यह इस दौरान स्पष्ट किया गया। इस बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सिलोरकर, उप जिला अधिकारी अविनाश कातड़े, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर फुटाने, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, डॉक्टर असीम ईमानदार आदि मौजूद थे। नागपुर जिले में 1 फरवरी से 15 फरवरी पॉजिटिव केसेस 639 आले आणि मागच्या 5 दिवसांमध्ये 331 आले आहेत आणि यामुळे आपल्याकडे हा संसर्ग पसरतो आहे हे निश्चित आहे। संसर्गाला जर आटोक्यात आणायचं असेल तर आम्हाला सगळ्यांना स्वयंशिस्त बाळगावी लागेल। कुठल्याही लग्न समारंभामध्ये 50 वरती व्यक्ती असतील तर त्या मंगल कार्यालयाच्या विरुद्ध आम्ही कारवाई करणार आहोत। त्यासोबतच ते जे वधूपिता असतील त्यांना सुद्धा कारवाईला सामोरं जावं लागेल। त्याशिवाय जे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार्स आहेत त्या ठिकाणी 50% जास्त जर तिथे लोक आढळले तर त्याही हॉटेल्सच्या विरुद्ध आम्ही कारवाई करू, रेस्टॉरंट्सच्या विरुद्ध, बारच्या विरुद्ध कारवाई करणार आहोत। जे शाळा कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थी असतील, शिक्षक प्राध्यापक असतील, त्यांना कोविडसारखी लक्षणं जर आली तर त्यांनी RT-PCR करून घ्यावा, परंतु शाळा कॉलेजेसमध्ये प्रवेश करू नये। तिथले मुख्याध्यापक प्राचार्यांवर ही जबाबदारी असेल की शाळेत येणारा प्रत्येक विद्यार्थी याचं थर्मल स्क्रीनिंग करून घेतलं पाहिजे आणि जर त्याला कोविडसारखी लक्षणं असतील तर त्याला शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये प्रवेश देऊ नये। तरी RT-PCR जी मोफत आहे ती करून घ्यावी असं एक आव्हान या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना करतो आणि कोविडच्या या युद्धात आपण निश्चितच आम्हाला सहकार्य करायला अशी अपेक्षा आहे। बैठक के बाद जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने जिले के नागरिकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच नागपुर जिले में 639 मामले सामने आए। अकेले पिछले 5 दिनों में 331 पीड़ित सामने आए। यही कारण है कि यह निश्चित हो गया है कि यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यदि इस संक्रमण को कम करना होगा तो हम सभी को आत्म अनुशासित होना होगा। यदि किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग हैं तो हम उस मंगल कार्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही दूल्हे के पिता को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर होटल, रेस्टोरेंट और बार में 50% से अधिक लोग पाए जाते हैं तो होटल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी आदेश की बार बार अवहेलना करने वाले मंगल कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट और बार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।